Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing. So if you are new to this place, then I am Vibha and I make videos related to fashion and haul videos. So you guys already read by the title ki aaj ka video hai Flipkart se bottom wear ka haul. So maine kafi acche se trousers pick kiye hain Flipkart se. वैसे तो मैंने ना फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है फ्लिपकार्ट से बॉटम वियर. मुझे थोड़ा सा फिटिंग का डाउट होता है इसलिए मैं हर कहीं से ट्राई नहीं करती हूँ. बट आप लोगों की काफी सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपके साथ बॉटम वियर का हॉल शेयर करूँ. तो आज तो मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट का हॉल शेयर करूंगी, बट आगे भी आपको ना बहुत सारे बॉटम वियर के हॉल देखने को मिलने वाले हैं. मैंने अलग अलग जगह से ट्राई किए हैं बॉटम वियर. तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्टे ट्यून ऑन माई चैनल. बट ये सभी जो कलेक्शन है ना ये भी काफी ज्यादा अच्छा है. डिटेल रिव्यू तो आपको मैं आगे बताऊंगी. एंड जो प्राइस रेंज है ना वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है गाइस. सभी नियर अराउंड 500 में मैंने पिक किए हैं. सो होप आपको पसंद आएगा आज का कलेक्शन. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लैक वन बिकॉज ब्लैक ट्राउजर हर किसी को पसंद आता है एंड आपके वार्डरोब में एक ना एक ब्लैक ट्राउजर तो होना ही चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव दिस ब्लैक वाइड लेग ट्राउजर. सो ये इमेज में तो ना गाइज बहुत ही ज्यादा सही दिख रहा था. मुझे पहले तो लग रहा था कि पता नहीं है ऐसा मिलेगा या नहीं, बट बिल्कुल ये जैसा इमेज में दिख रहा था ना बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ. तो मुझे बहुत पसंद आया. मतलब अगर इमेज वाली एग्जैक्ट चीज मिल जाती है ना तो फिर मजा आ जाता है. ऐसा लगता है कि हाँ पैसा वसूल हो गया है. देखो गाइज ये आपको ना पूरा इस टाइप से फ्लेयर्ड पैटर्न में मिल जाता है एंड इसका फ्लेयर्ड देखो आप नीचे से. आई मीन लाइक इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना सही फ्लेयर्ड मिल रहा है. एंड आप ट्राई एंड पार्ट में ना इसकी फिटिंग देखना गाइज अमेजिंग है. मतलब मुझे ना बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से ट्राई किया है. हाई वेस्ट ट्राउजर है ये. यहाँ पे आपको फ्रंट में ना पूरा फ्लैट पैटर्न मिलता है एंड इसमें ना आपको ऐसी फ्रंट में ना लाइनिंग मिल जाती है. होप आपको कैमरे में दिखे. सी गाइज यहाँ पे ना ऐसी लाइनिंग दी है सेंटर में एंड ये पूरा नीचे तक जाती है. बाकी पूरा आपको ना ऐसा फ्लैट पैटर्न मिलता है. यहाँ पे आपको बेल्ट लगाने के लिए हुप्स दे रखे हैं. जिपर डिटेलिंग इसमें दी हुई है एंड आपको ऐसा बटन क्लोजर मिल जाता है. बैक साइड से भी इसकी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी. एंड इसमें आपको ना बैक में कोई पॉकेट नहीं मिलेंगे एंड फ्रंट में भी इसमें कोई पॉकेट नहीं दिए हुए हैं. बाकी इसकी फिटिंग जो है ना वो एकदम परफेक्ट है. लेंथ आप देख सकते हैं. मेरी हाइट 5'3.5 है एंड मैंने ना हील भी कैरी कर रखी है 3 इंच की. उसके बावजूद मतलब ये एकदम मुझे फुल लेंथ में आ रहा था जो मुझे बहुत पसंद आया. आप ना इसे लाइक वेस्टर्न वियर के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट आप इसे इंडियन वियर में भी लाइक शॉर्ट कुर्ती के साथ या फिर जो लॉन्ग लेंथ वाली कुर्ती होती है उसके साथ भी इजीली स्टाइल कर सकते हो. बिकॉज ये जो फ्लेयर्ड वाले जो ट्राउजर होते हैं ना वो शॉर्ट कुर्ती के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. देखो गाइस इसका जो फैब्रिक है वो आपको ना विस्कस रेयॉन मिल जाता है. तो मतलब अच्छा है, कंफर्टेबल है, इजीली आप ह्यूमिड वेदर में इसे कैरी कर सकते हैं. बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था ये स्किन में. बाकी प्राइस तो मैंने ना इसके लिए बहुत ही कम पे किया है गाइज, ओनली 440 रुपीज पे किया है. बट आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना इसका प्राइस ना और भी ज्यादा लो हो गया है. आई थिंक कुछ ना 329 समथिंग कुछ शो हो रहा है. बट ये वीडियो जब जाएगा लाइक मे बी कल चला जाए ये वीडियो तो हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत और फ्लक्चुएट हो जाए. बट अगर आपको ये लाइक 450 के नियर अराउंड मिल रहा हो ना जरूर ट्राई कर सकते हो बिकॉज अमेजिंग ट्राउजर है ये. फिट एकदम परफेक्ट है, लेंथ भी परफेक्ट है. अगर आपको लॉन्ग लेंथ में ट्राउजर चाहिए ब्लैक कलर में तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो. कलर ऑप्शन तो आई थिंक ना आपको सभी में बहुत सारे मिल जाएंगे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो. एंड इन सभी ट्राउजर में ना मैंने अपना जो साइज है वो 28 पिक किया है आई थिंक. सो इसमें ना मेंशन नहीं है. नहीं मैंने ना इसमें 30 साइज ऑर्डर किया है. सो 30 के हिसाब से फिटिंग मुझे ठीक हो रही थी इसकी. एंड इसे मैंने कोटी ब्रांड से ट्राई किया है. सो कोटी ब्रांड का जो बॉटम वियर का कलेक्शन है ना फ्लिपकार्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, तो आप चेक कर सकते हो इसे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर. सो नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रे वाइड लेग बैगी ट्राउजर एंड इस ट्राउजर का फिट इज ऑल्सो सो अमेजिंग. एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इसका फिट कितना ज्यादा प्यारा है. अगर आपको फुल वाइड लेग वाले बैगी ट्राउजर चाहिए आप एक बार इसे जरूर कंसिडर करना. देखो सबसे पहले तो ना इसकी लेंथ देखो आप, एकदम फुल लेंथ में आपको मिल जाएगा ये. मेरी हाइट 5'3.5 है एंड मैंने हील भी कैरी कर रखा है, बट आप फ्रंट पार्ट में देख सकते हैं कि एकदम फुल लेंथ में. तो आपकी हाइट अगर 5'6" 5'7" भी है तो भी आपको ये एकदम परफेक्ट होगा. एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो आपको मिल जाता है आई डोंट नो लाइक्रा समथिंग कुछ फैब्रिक है. बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल
अमेजिंग क्वालिटी का है, बट जो प्राइस मैंने पे किया है ना उसके हिसाब से तो अमेजिंग है। समथिंग कुछ कॉटन और लाइक्रा मिक्स है, काफी अच्छा है बिकॉज ये ना बैगी फिट में है तो स्किन में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। एंड ये आपको ना हाई वेस्ट पैटर्न में मिल जाता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है ना वहां पे आपको ऐसा प्लीटेड लुक मिल जाएगा। तो ये कोरियन इंस्पायर्ड ट्राउजर है बिकॉज पूरा लूज फिट में दे रखा है। फ्रंट में आपको ऐसा बटन क्लोजर मिल जाता है, जिपर डिटेलिंग दे रखी है एंड इसमें आपको दोनों साइड में पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, बैक में आपको कोई पॉकेट नहीं मिलेगा। एंड इसका फिट मुझे बहुत पसंद आया गाइस, आप ट्रांस पार्ट में देख सकते हैं, अमेजिंग फिट है। वेस्टर्न वियर के लिए तो एकदम परफेक्ट है, अगर आपका बर्थडे आने वाला है, आपको कुछ अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्रॉप टॉप स्टाइल कर लो, थोड़े बहुत स्टाइलिश से अगर आप टॉप स्टाइल करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेगा। साइज मैंने इसमें 28 ऑर्डर किया है, सो 28 की फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हुई है। जो प्रीवियस वन था वो मैंने 38 साइज में ट्राई किया था, तो कोटी ब्रांड में ना इसे मैंने कोटी से ही ट्राई किया। कोटी में अगर आप एक साइज बड़े में भी जाएंगे तो भी ऐसा बहुत ज्यादा फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसकी तो मुझे एकदम परफेक्ट फिटिंग हुई है। इसमें आपको ना 3 से 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। सो अगर आपकी हाइट ज्यादा है, लाइक 5'6" 5'7", अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ट्राउजर चाहिए, एक बार आप इसे जरूर कंसीडर करना। एंड जो प्राइस है ना वो भी बहुत अफोर्डेबल है गाइस, 499 रुपीज मैंने पे किया है। बट अभी ना फ्लिपकार्ट में सभी के प्राइजेस डाउन हुए हैं, तो आप देख सकते हो अभी किस प्राइस में आपको मिल रहा है। बाकी हाईली रिकमेंडेड है ये वाला ट्राउजर भी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर, सो नेक्स्ट वी हैव दिस व्हाइट ट्राउजर। सो व्हाइट तो हर किसी की विश लिस्ट में होता है बिकॉज ये आपके एथनिक वियर के साथ भी चले जाते हैं, वेस्टर्न वियर के साथ भी चले जाते हैं। स्पेशली अगर आपको शॉर्ट कुर्ती के लिए चाहिए व्हाइट ट्राउजर तो आप इससे कंसिडर कर सकते हो। ये भी आपको ना लॉन्ग लेंथ में मिल जाता है एंड ये ना थोड़ा सा लाइक वो वाइड लेग वाला फिट नहीं है इसका, ये ना आपको स्ट्रेट फिट वाले में मिल जाता है। इसकी लेंथ भी एकदम परफेक्ट है एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। मैंने सभी के ना फैब्रिक नोट डाउन कर रखे हैं, ये ना आपको पॉलिएस्टर में मिल जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। तो अगर आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक में चाहिए आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी मतलब ये वाला तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इसकी फिटिंग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। ये आपको हाई वेस्ट पैटर्न में ही मिल जाता है, फ्रंट में आपको ना यहाँ पे ऐसा बटन क्लोजर मिल जाता है, बट इसमें ना आपको जिपर डिटेलिंग नहीं मिलती है। लाइक लुक तो दिया हुआ है पूरा, बट ये इस टाइप से इन्होंने दे रखा है, सो जिप डिटेलिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे। फ्रंट में आपको यहाँ पे ऐसा प्लीटेड लुक मिल जाता है, दोनों साइड में पॉकेट्स दिए हुए हैं एंड नीचे साइड से आप देख सकते हो इसका पूरा लुक। बैक साइड में भी आपको पॉकेट नहीं मिलेंगे। बाकी फिटिंग मुझे एकदम इसकी परफेक्ट हो रही थी, फिटिंग में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है एंड इसका कलर भी ना एकदम परफेक्ट, जो व्हाइट होता है ना वो वाला है। एंड ट्रांसपेरेंट ना ये उतना ज्यादा मतलब मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ ट्रांसपेरेंसी का। बाकी हाँ बैक साइड से ना पैंटी लाइन मतलब इसमें विजिबल हो रही थी, तो वो थोड़ा सा एक इशू जरूर मुझे लगा। तो आप इसके साथ ना सीमलेस पैंटी अगर कैरी करोगे तो वो वाला इशू भी बिल्कुल चला जाएगा। प्राइस मैंने पे किया है गाइज इसके लिए 450 रुपीज एंड इससे मैंने ट्राई किया है, इसमें कोई भी टैग दिया हुआ नहीं है। आई डोंट नो किस ब्रांड से मैंने ट्राई किया है, बाकी लिंक तो मैं दे दूंगी आप देख लेना। कलर ऑप्शन आपको इसमें भी मिल जाएंगे, सो इसे भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। साइज मैंने इसमें मीडियम ट्राई किया, यहाँ पे मीडियम मेंशन है, आई थिंक 28 वेस्ट की मैंने ट्राई किया है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस ब्लैक पैराशूट ट्राउजर, तो इसका फिट इज ऑल्सो अमेजिंग। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आपको अगर एयरपोर्ट के लिए कोई ऐसा पैराशूट बैगी फिट में ट्राउजर चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सेम ट्राउजर मैंने वेस्ट साइड से ट्राई किया था जो काफी ज्यादा कॉस्टली था, समथिंग कुछ 1500 और 2000 में मैंने परचेस किया था, बट फ्लिपकार्ट में मुझे ये ना ओनली 500 रुपीज में मिला है। देखो गाइज इसका कलर इज जेड ब्लैक एंड इसकी फिटिंग इज ऑल्सो सो अमेजिंग। वैसे इसके साथ ना अगर मैं एक साइज बड़े में भी जाती ना तो भी मुझे परफेक्ट होता ही है, बट मैंने इसमें अपना एक्चुअल साइज ही ट्राई किया है, 28 वेस्ट में मैंने ऑर्डर किया है। एंड ये आपको ना मिड वेस्ट में मिलता है, प्रॉपर ऐसा हाई वेस्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे वेस्ट में मिल जाता है। इलास्टिकेटेड पैटर्न एंड ऐसी ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखी है इन्होंने, इसमें कोई पॉकेट ये हुए हैं, दोनों साइड में ना आपको पॉकेट मिल जाते हैं। एंड इसका जो लुक है ना वो आपको कार्गो स्टाइल में मिलेगा, यहाँ पे जो नी वाला पोर्शन है वहां पे आपको ऐसे दो पॉकेट्स भी मिल जाते हैं दोनों साइड में। एंड इधर से नी के नीचे ना आपको ऐसा लेयरिंग वाला पैटर्न मिल जाता है, सो जो पैराशूट पैंट्स होते हैं ना उस टाइप से इसका पूरा लुक। नीचे साइड में आपको ऐसी ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसे। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है गाइस, ट्रैवलिंग के लिए तो एकदम अप्रोप्रिएट है। अगर आपको लाइक ट्राउजर्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऐसा इजी ब्रीजी वाला लुक चाहिए, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। देखो आप इसका पूरा लुक,
इसकी लेंथ भी मुझे सही हो रही थी। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें ना आप एक साइज बड़े में जाना तो और भी ज्यादा अच्छा लुक आएगा, मतलब प्रॉपर ऐसा बैगी पैराशूट पैंट्स टाइप लगेगा। ये प्राइस मैंने पे किया है इसके लिए 449 रुपीज। अभी तो सभी के प्राइस डाउन हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर। तो ये वाले ट्राउजर के साथ ना मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा थी, बिकॉज इसके लिए मैंने प्राइस भी सबसे ज्यादा पे किए थे, बट जैसा मैंने सोचा था ना वैसा मुझे नहीं मिला। बिकॉज जो फ्लिपकार्ट में इमेज थी ना उसमें ये प्रॉपर ऐसा लॉन्ग लेंथ में था, बट आप ट्राइन पार्ट में देखना इसकी लेंथ ना मुझे जो क्यूलेट्स वाली लेंथ होती है ना वो हो रही थी। सो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट सा लगा। अगर इसकी लेंथ अच्छी होती ना तो ये वाला ट्राउजर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता। ये आपको मिल जाता है आइड लेग पैटर्न में दे रखा है, लूज फिट में ट्राउजर है। तो मैंने ना इसके रिव्यूज चेक किए थे एंड वहां पे ना कुछ लोगों ने मेंशन किया था कि हमारी हाइट 5'4" है, 5'6" है, एंड जो मैंने इमेज देखा था उसमें एकदम फुल लेंथ में दिख रहे थे। तो आई वॉज लाइक कि हाँ वैसे ही होगा, बट आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है क्या, बिकॉज मेरी हाइट तो 5'3.5" है एंड मुझे तो ये एंकल लेंथ तक हो रहा था। तो अगर आपकी हाइट लाइक 5'1" के नियर अराउंड है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपकी हाइट 5'2" से ज्यादा है और आपको प्रॉपर से लॉन्ग लेंथ में चाहिए तो फिर ये आपको सही नहीं जाएगा। इसका कलर बहुत अच्छा है, ये आपको क्रीम कलर में मिल जाता है। बाकी फिट तो इसका एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो आपको मिल जाता है, ऐसा जिपर डिटेलिंग मिल जाती है, यहाँ पे बटन क्लोजर दिए हुए हैं एंड फ्रंट में आपको ऐसा प्लीटेड लुक भी मिल जाता है, पॉकेट्स भी दिए हुए हैं दोनों साइड में। सो वहां पे आई थिंक ना ये हाई वेस्ट ट्राउजर मेंशन था, बट मुझे तो ये मिड वेस्ट के अराउंड लगा, बहुत ज्यादा ऐसा हाई वेस्ट भी नहीं है ये। बाकी लेंथ आप देख सकते हो ट्राइन पार्ट से, बैक साइड से भी आपको ऐसा मिलेगा। इसका जो फैब्रिक है वो आपको मिल जाता है पॉलिएस्टर। कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप बस इसे ट्राई मत करना, बाकी अगर आपकी हाइट 5'2" 5'1" है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। मैंने इसके लिए जो प्राइस पे किया ना गाइस दैट इज 700 रुपीज, एंड अभी इसका प्राइस ना 500 और 400 समथिंग कुछ शो हो रहा है। सो ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से मतलब मुझे ऐसा बहुत ज्यादा खास नहीं लगा। तो दीज आर ऑल दी ट्राउजर्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से ट्राई किए थे। होप आपको पसंद आया होगा आज का कलेक्शन। स्टार्टिंग के जो चारों ट्राउजर है ना वो तो मस्ट हैव गाइस, अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो इससे अच्छे ट्राउजर आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं, जरूर ट्राई कर लेना। लिंक सभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल फॉर मोर बॉटम वियर हॉल। नाउ वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।